हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये हम हाफ का जैकेट बना रहे थे, ये उसका थर्ड वीडियो है। और थर्ड वीडियो में आज मैं आपको इसका लेफ़्ट पार्ट बनाना सिखाऊंगी। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये पैटर्न डालना सिखाया था और कितने फंदों में लेंगे ये एडजस्ट किया था। सेकेंड वीडियो में हमने देखिए ये इसका आर्म होल की कटिंग और हमने इसका नेक बनाना सीखा था कि ये हम नेक किस तरह से बनाएंगे इसका, देखिए ये। और अब हम इसका लेफ़्ट पार्ट का देखिए, ये इसका लेफ़्ट पार्ट है और लेफ़्ट पार्ट का हम किस तरह से हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे और इसकी नेक की कटिंग करेंगे। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए राइट पार्ट में हमने इसका राइट साइड से, देखिए ये राइट साइड से हमने इसकी कटिंग करना स्टार्ट किया था। और लेफ़्ट पार्ट में भी हम इसकी राइट साइड से ही कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें भी हम ये थ्री पैटर्न लेंगे, 1 2 3। और थर्ड पैटर्न में देखिए, यहाँ पर हमने थर्ड पैटर्न में इसमें हाफ वो बनाया था पैटर्न, हाफ पैटर्न बनाया था। उसी तरह से इसमें भी हम हाफ पैटर्न यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये यहाँ से पैटर्न बनाना हम स्टार्ट करेंगे। चलिए बनाते हैं। देखिए ये यहाँ पे हम इस लूप में डाल, ये देखिए धागा लेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2, देखिए ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। एक हमने ये 3 की चेन ली थी और 2 डबल क्रोशिया बनाया था। अब फिर से यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, 1 2। 2 चेन लेने के बाद फिर हम यहाँ पे इसका 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे हाफ पैटर्न हो गया। अब फिर से हम यहाँ पर 2 ये बनाएंगे, चेन बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ से फिर इसके 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। देखिए इस तरह से ये हाफ पैटर्न बना और 4 डबल क्रोशिया। और ये जो ये हमारा एक बीच का पैटर्न है, ये हमारा कंप्लीट बनेगा। इसके लिए देखिए कोई भी हमने चेन नहीं ली। अब हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए 6 हमने डबल क्रोशिया लिया, 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर से हम यहाँ पर सेम इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे। यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए ये हमारा नेक का है और नेक में अब हम ये देखिए हमने इसमें ये हाफ पैटर्न बनाया था, तो अब यहाँ भी हम हाफ ही पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम ये देखिए कोई भी चेन नहीं लेंगे। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब 2 चेन लेंगे, 1 2 और सेम यहीं पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2। 2 चेन ली और यहाँ पर जो ये हम 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे ये 1, एक और यहाँ पर बनेगा ये 2। देखिए इस तरह से ये हमारा हाफ पैटर्न आया, ये हमारा फुल आया, फिर ये हमारा हाफ पैटर्न आया। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए फिर से हम 1 2 3 और वर्क को टर्न करेंगे। फिर यहाँ पर हम इस डबल को देखिए, जो हमारी ये चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये हमारी देखिए राइट साइड थी, रॉन्ग साइड में हम फिर से जो जैसा पैटर्न बना हुआ है सेम उसी पर वैसे ही रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने हाफ बनाया, तो यहाँ हाफ बनेगा, यहाँ पर फुल बनेगा और फिर यहाँ पर हाफ बनेगा। ये मैं पैटर्न बना के फिर हम राइट साइड में आके इसका आगे पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए अब हमारे इसकी राइट साइड में आ गया। ये देखिए ये रॉन्ग साइड में हमने इसके कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड में, राइट साइड में देखिए ये मैंने 1 चेन बनाई। फिर इसको हम इस होल से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 देखिए 2, ये 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1
टू, और फिर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये बनाया, अब फिर से हम थ्री चेन लेंगे, वन टू सॉरी टू चेन लेंगे, टू चेन ली और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर। अब मैं ये पैटर्न कंप्लीट कर लेती हूँ, यहाँ पे आके आपको बताएंगे आगे क्या करेंगे। अब देखिए ये मेरा यहाँ तक हमारा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इसमें फिर से, ये देखिए हमने ये हाफ हाफ दो बार बनाया। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये राइट पार्ट है इसमें हमने क्या किया था, पहले हमने दो बार हाफ हाफ पैटर्न बनाया था। देखिए ये रहा वन टू, ये दो बार हमने हाफ बनाया था, फिर हमने एक ये वन चेन ली थी, फिर डबल क्रोशिया, फिर चेन, इस तरह से। अब हम यहाँ हम भी ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर भी लेफ्ट पार्ट में भी इसी तरह से बनाएंगे, जैसे हमने राइट साइड बनाया था सेम वैसे ही हम लेफ्ट बनाएंगे। ये देखिए वन चेन ली, यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर से वन चेन ली और यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया, एक और डबल क्रोशिया बनाया। अब फिर से थ्री चेन लेंगे, वन टू थ्री, और रॉन्ग साइड फिर हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे हमने राइट साइड किया। इसमें देखिए हमने हाफ पैटर्न बनाया, फिर फोर डबल क्रोशिया, फिर हमारा पूरा फुल डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने फोर बनाए, फिर से हमने वन चेन, वन डबल क्रोशिया, वन चेन बनाए, फिर टू डबल क्रोशिया बनाया। अब सेम यही अब हम यहाँ पर दोबारा रॉन्ग साइड में रिपीट करेंगे ये बनाने के बाद, फिर राइट साइड में बताएंगे आगे क्या करना। देखिए अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम राइट साइड में है, हमने वन चेन बनाई और देखिए इसको हमने स्लिप स्टिच किया, फिर हम थ्री चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, थ्री चेन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब टू चेन बनाएंगे, वन टू, फिर से डबल क्रोशिया सेम जगह पे, फिर से टू डबल क्रो सॉरी टू चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम पैटर्न इसे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए देखिए सिक्स डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव ये सिक्स, अब थ्री चेन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर थ्री चेन, फिर से डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, देखिए फोर। ये राइट साइड है तो राइट साइड में अब हम नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए देखिए अब हम ये थ्री चेन स्किप करेंगे और ये सीधा फोर्थ चेन में हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से। ये देखिए ये हाफ पैटर्न बना हमारा, फिर ये हमारा फुल पैटर्न बना, फिर हमने ये फोर्थ डबल क्रोशिया बनाए और फिर हमने इसको स्किप किया, वन डबल क्रोशिया को स्किप करके सीधा हमने टू डबल क्रोशिया बनाया। अब हम इसको वर्क को टर्न करेंगे और सेम जो जैसा पैटर्न बना है वैसे ही बना के फिर राइट साइड आके आपको दिखाएंगे आगे कैसे बनेगा। देखिए थ्री चेन बनाए, फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए फिर टू चेन, वन डबल क्रोशिया, फिर से हम टू चेन, वन टू, टू चेन बनाई, अब हम ये फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से एक बार और। अब देखिए हमने हाफ पैटर्न बनाया, फोर डबल क्रोशिया बनाए और ये हमने अपना पूरा फुल पैटर्न बनाने के बाद हमने थ्री की चेन ली और अब देखिए हम क्या करेंगे, ये टू चेन टू डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। ये हमारा देखिए राइट साइड है और राइट साइड में अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। देखिए इसमें जैसे हमने यहाँ किया था, ये देखिए ये हम यहाँ पर हैं, ये हमने फोर डबल क्रोशिया बनाया सॉरी सिक्स डबल क्रोशिया बनाया था, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने फर्स्ट के दो डबल क्रोशिया बनाए थे और लास्ट के दो, बीच की दो चेन पे हमने स्किप किया था, उसी तरह से अब हम बनाएंगे यहाँ पे। देखिए ये हमारे सिक्स डबल क्रोशिया है,
ये देखिए 1 2 3 4 5 6 सिक्स है, तो हम फर्स्ट के और लास्ट के दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे ये फर्स्ट के हमने दो बनाए, बीच के दो डबल सॉरी चेन स्किप की, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। देखिए इस तरह से फिर से हम वर्क टर्न करेंगे और जो सेम पैटर्न जो जैसा बना हुआ है सेम उसे वैसे ही बना के ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये हमने 3 चेन बनाई, फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन बनाएंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और फिर हम ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4, ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए फिर हम यहाँ पर फुल अपना पूरा पैटर्न बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर से 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हमारा डबल क्रोशिया। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा पैटर्न, अब हमारी जो गले की नेक की कटिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर हैं, देखिए ये यहाँ पर ये इसकी लास्ट रो है, फिर उसके बाद हम ये सिंपल बनाएंगे। अब देखिए कैसे क्या करते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर ये हमने 4 डबल क्रोशिया हमारे, हम फर्स्ट के 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और बाद के हम स्किप करेंगे। इसी तरह से हम लेफ्ट साइड में करेंगे, देखिए ये हमारे 4 डबल क्रोशिया है, ये हम 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और थर्ड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इसमें नेक्स्ट में बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से अब हमारा ये कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। अब फिर से हम इसको इसी तरह से रॉन्ग साइड से इसे कंप्लीट करेंगे। और अब देखिए ये हमारे कितने पैटर्न हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर आएगा हमारा 10 हमारे कंप्लीट करने के बाद मैं 4 पैटर्न और डालूँगी इसके ऊपर, यानी अब मेरे 5 पैटर्न डालने के बाद मेरा ये लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सेम ऐसे, देखिए जैसे ये है हमारा, इसी तरह से हमारा लेफ्ट पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको ये 5 पैटर्न डालने के बाद, अब हमने इसमें ना कोई कटिंग करनी है ना बढ़ाना है, सेम यही डेढ़ पैटर्न हमने 1 पैटर्न फुल और हाफ ये डेढ़ पैटर्न हमने 5 रो तक और बनाना है, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए अब हमारा ये लेफ्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है और बनने के बाद इसकी फाइनल लुक देखिए इस तरह से आई है। और इसमें देखिए अब हमने ये 14 पैटर्न इसमें हमने बनाए हैं और 14 ही हमने इसमें बनाए हैं। और अब ये हमारा बनने के बाद देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको इसका देखिए बैक का पार्ट बनाना सिखाऊंगी कि बैक का पार्ट हम कैसे बनाएंगे। बाय।